मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 27 जून से सीधे जनता से रूबरू होंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। प्रदेश की आम जनता सीधे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री मुलाकात करने के साथ ही आम जनता से फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं। सरकार का मानना है कि जन दर्शन से आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। देखिए, उसका बड़ा लाभ होता है, जन दर्शन में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बात सुनना, और निश्चित रूप से इससे जनता को बड़ा लाभ होता है और लोगों के समस्याओं का निदान होता है। बीजेपी के दौर में जनदर्शन की तैयारी हो रही है तो कांग्रेस सरकार के जमाने में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता था, लेकिन अब कांग्रेस जनदर्शन कार्यक्रम पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जनदर्शन से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, ये जनता को ठगने वाला आयोजन है। ये जनदर्शन में कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये जनता को सिर्फ ठगने वाला दर्शन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकारी पक्ष के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच कम से कम जनता को अपनी समस्याओं को बताने का एक और मंच मिल रहा है। अब इस जनदर्शन का प्रदेश की जनता को कितना फायदा मिलेगा और कैसे फायदा मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, विपक्ष है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन आखिर सीएम जनदर्शन कार्यक्रम है क्या, वो भी आपको जानकारी पूरी दे देते हैं। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम को जान लीजिए। आम जनता से सीधे मुलाकात करेंगे, इसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये जनता के लिए एक कार्यक्रम लाया गया है, जनता की समस्याएं सुनेंगे सीएम विष्णुदेव साय, यही मुख्य बातें हैं जनदर्शन कार्यक्रम की। समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा, क्योंकि जब फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन है उस टाइम पर पारदर्शिता होती है, उस टाइम पर डिले नहीं होता। आम जनता से मुख्यमंत्री सुझाव भी लेंगे। तो देखिए, टू वे कम्युनिकेशन रहने वाला है इस जनदर्शन कार्यक्रम में। सरकारी योजनाओं का भी लेंगे फीडबैक कि जो सरकारी योजनाएं लाई गई है उसका कितना असर, उसका कितना फायदा जनता को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से, सीधा उनका रुख करूंगी। अनमोल, जनता से सीधा संवाद, ये मुख्य कार्यक्रम देखा जा सकता है, क्या कुछ जानकारी है? आप बिल्कुल, देखिए अंजलि, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुरू करने जा रहे हैं, जन दर्शन कार्यक्रम। देखिए, इसमें क्या होगा कि सीधे जो मुलाकात है वो जनता से करेंगे मुख्यमंत्री, और एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, भाजपा में हम अक्सर देखते आए हैं कि दिशा निर्देश ऊपर से मिलते रहे हैं कि आप जनता के बीच रहिए, जनता की बात करिए। यही वजह है कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जो मुख्यमंत्री हैं अब जन दर्शन कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हर गुरुवार को जो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचेंगे और सीधा जो है मुख्यमंत्री उनकी समस्या सुनेंगे और ऑन स्पॉट जो है समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों को निर्देश देंगे। इस पूरे कार्यक्रम से देखिए आम लोग काफी लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सीएम ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे मिल नहीं पाते, उनकी इच्छा होती है कि सीधा मुख्यमंत्री से अपनी समस्या जाहिर करें, लेकिन कई बार व्यस्तता इतनी होती है, इतने लोग होते, भीड़ इतनी होती है कि हर आदमी मिल नहीं पाता है। लेकिन ये उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आम लोगों के लिए, जहां पर वो सीधे मुख्यमंत्री से आकर वार्तालाप करेंगे और अपनी समस्या को सुनाकर अपने समाधान को मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर मांगेंगे। समस्याओं का निराकरण भी तुरंत किया जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है, साथ ही साथ फीडबैक भी ले सकेंगे खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।